नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल जोचना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज है महाशिवरात्रि, हमारी तरफ से दोस्तों महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों आज हम इस वीडियो पे आपको EMMC कोर्स का पार्ट 4 के बारे में बताएंगे। दोस्तों आज की टॉपिक है कि एक मोबाइल की मदरबोर्ड से आप जो EMMC IC लगी हुई है इस पर कैसे ISP फाइंड करेंगे, कैसे ISP पिन आउट फाइंड करेंगे और उसका पासवर्ड अनलॉक विदाउट डाटा लॉस से कैसे होगा, इस वीडियो पे वो सारी फुल डिटेल्स इस वीडियो पे हम देने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों आज हमारे पास एक Realme 2 का मोबाइल है जिसपे लॉक लगी हुई है। इमरजेंसी पे आपको *#899# टाइप करने के बाद उसका सॉफ्टवेयर वर्जन में क्लिक करेंगे तो उसका मॉडल नंबर आ जाएगा। ये RMX1805 इसका मॉडल नंबर है। तो आज हम इसका ISP कैसे फाइंड करेंगे और इसका पासवर्ड अनलॉक UEFI से कैसे होगा आज हम इस एपिसोड में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों इसका बैक कवर को ओपन करके इसका ISP अब निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये Realme 2 का मदरबोर्ड को हमने ओपन कर लिया। अब हम हमारी PC पर गूगल पे सर्च करेंगे RMX1805, उसका जो मॉडल नंबर है उसका ISP पिन आउट गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह से उसका ISP पिन आउट आ जाएगा। फिर भी ये जो ISP पिन आउट ये कैसे सही है या गलत है, हाँ कौन सी साइट में आपको डाउनलोड करना है ये भी देख लीजिए आप। दोस्तों सिर्फ स्मार्ट व्यू फॉरम से जो भी ISP पिन आउट है उसको ही आप देख के डाउनलोड करना, क्योंकि ये पूरी जो भी ISP देता है या स्मार्ट व्यू फॉरम से वो ISP पूरी सही होती है। इस तरह से दोस्तों उसका जो ऊपर ये जो वाटर टैप लगा है इसमें, इसको इस तरह से आप हटा सकती है। इतना ओपन करने के बाद इसको थोड़ा हीट दे देने से ये आराम से निकल जाएगा। ये दोस्तों पूरी जो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो पूरी सेफली रहेगी, आपकी मदरबोर्ड कुछ भी खर्च नहीं होगी। इसको अच्छी तरह से आप निकाल लेंगे तो फिर एक बार इसको आप पेस्ट कर सकते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने वाटर टैप तो अब निकाल दिया। ये मदरबोर्ड को हमने ओपन कर लिया है दोस्तों। अब हम माइक्रोस्कोप में आपको कैसे उसका ISP पिन आउट फाइंड करेंगे, पहले तो इसका पिक्चर दे दिया हूँ, उस पिक्चर के जरिए उसका ISP पिन आउट करना है आपको। और जंपर जितना ही हो सके उतना छोटा लगाना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जंपर होगा तो अनलॉक करने के वक्त कोई दिक्कत आ सकती है। तो चलिए दोस्तों हमारी माइक्रोस्कोप की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये है उसका प्रोसेसर है, ये क्वालकॉम STM 450 लगा है। और ये दोस्तों उसका मेमोरी IC है, EMMC IC है उसकी पास है, उसका ISP पिन आउट है। पहले हम ये जो टीन का बॉर्डर है उसको कट करके उसके नीचे से ISP पिन आउट निकालेंगे। कैसे आप पूरी सेफ से उसको कट करेंगे ज़रा देख लीजिए।
इसके लिए आपको एक मैकेनिक कटर की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से इसको कट करना है दोस्तों। इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी मदरबोर्ड के जो नज़दीक से जो पार्ट्स है वो बिल्कुल भी खर्च नहीं आएगी और आराम से ही आपका जो ISP है वो आराम से ही आप ओपन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये UEFI का ISP अडाप्टर है। इस पे डाटा CMD, CLK, ग्राउंड, VCC, VCCQ है। इन वायर को आप यहाँ से जम्पर करना, जिस तरह से मैंने इमेज दी है आपको उसी तरह से आप इसको जम्पर करना। और थोड़ी सी जूम कर देता हूँ दोस्तों, इस तरह से आप जम्पर करना। हमेशा दोस्तों याद रखना, मैं मेरा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप ISP पिन आउट फाइंड कर सकते हैं। किसी भी ISP आपको चाहिए तो उसकी मेरे वेबसाइट से आप भी देख के डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप ISP कनेक्ट करना। ये Realme 2 का मोबाइल है दोस्तों, इसमें VCC और VCCQ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी फ़ोन में VCC और VCCQ की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी UEFI eMMC टूल बॉक्स अब ओपन हो गई। अब हम फ़ोन के साथ UEFI बॉक्स को कनेक्ट करेंगे। ये तो हमने ISP कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो VCC VCCQ है उसको USB के थ्रू हम ये Realme 2 में वो USB के थ्रू काम करता है। वो डायरेक्टली उसका ISP में VCC VCCQ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से उसको USB कनेक्ट करना है और इस तरह से उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों सीधे आपको डायरेक्टली eMMC पे क्लिक करना है और उसको सीधे आप आइडेंटिफाई इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये उसका मॉडल नंबर है, ये इनक्रिप्टेड है, यानी पे इस पे लॉक लगी हुई है। ये Realme 2 है, RMX 1805 उसका मॉडल नंबर है। उसके बाद आप सीधे यूजर पार्ट में जाकर स्पेशल टैक्स में उसको सीधे मास्टर क्लियर, जो ओप्पो मास्टर क्लियर लिखा है, वाइप डाटा, इस पर करेंगे तो आपकी जो लॉक है, जो पासवर्ड है, वो 100% रिमूव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि विदाउट डाटा लॉस, ये प्रोसेस दोस्तों विदाउट डाटा लॉस से है। अगर आप डाटा लॉस करना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखें दोस्तों, आप अपना जो क्लॉक का स्पीड है वो क्लॉक का स्पीड को 24 MHz में रखेंगे और स्पेशल टैक्स में जाकर फैक्ट्री रिसेट कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।